Hello everyone, welcome back to our channel Literary Nerds. आज की वीडियो इग्नू के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो लोग भी अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं सितंबर सेशन के लिए. सो ये आपके साथ एक फोटोग्राफ शेयर करने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी. ये हमें एक स्टूडेंट ने ही भेजी है. एग्जाम सेंटर के बाहर डूज एंड डोंट्स का एक पेपर लगा हुआ था. सो मैंने सोचा इस वीडियो के थ्रू आप सबके साथ शेयर कर दिया जाए, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि आपको सेंटर पर क्या फॉलो करना है एंड क्या चीजों का ध्यान रखना है. एंड ये एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ही मान सकते हो आप, क्योंकि ये सेंटर के बाहर लगा हुआ है. हर सेंटर के बाहर आपको ये मिल जाएगा. सो जिन स्टूडेंट्स के भी अभी तक एग्जाम्स नहीं हुए हैं एंड अभी आगे डेट्स हैं उनकी, तो उनके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है, ताकि आप लोगों को एक बार आइडिया लग जाए एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले कि आपको क्या चीजें अपने साथ लेकर जानी है एंड क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं लेकर जानी है. सो शुरू करते हैं वीडियो. पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे चैनल पर न्यू है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए. एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो अपलोड होने की आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि डूज में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं. सो आपको सबसे पहले मास्क यूज करना है, सैनिटाइजर यूज करना है एंड अपने हैंड्स रेगुलरली वॉश करने होंगे. सेकेंड पॉइंट में गिवन है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, आपको मेंटेन करनी है. ये चीज और कोई नहीं देखेगा, आपको अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखनी है. आपको सोशल डिस्टेंसिंग खुद ही मेंटेन करना होगा. सो आप ये ध्यान रखें कि सेंटर पे आप किसी के भी पास इतना ना रहें, अपना सोशल डिस्टेंसिंग आप खुद ही मेंटेन करके चलें. नेक्स्ट, आपको हॉल टिकट के साथ साथ अपना आईडी कार्ड लेकर जाना होगा. ये चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी कि आपको अपना आईडी कार्ड के साथ साथ एक और आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना होता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या कोई भी ऐसी आइडेंटिटी कार्ड जिससे आप प्रूव कर सको अपने आईडी कार्ड को कि आप वही सेम पर्सन हो जो इग्नू की आईडी कार्ड में मेंशन्ड है. सो ये आपसे कभी भी मांगा जा सकता है. इन्विजिलेटर आपको कभी भी कह सकता है वो आपको दिखाने के लिए. सो आपके पास वो होना चाहिए जब वो आपसे मांगे, तो आप दिखा सको कि आप सेम ही हो. नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको 15 मिनट्स पहले एग्जाम सेंटर के अंदर आकर बैठ जाना है, ताकि वो लोग अपना प्रोसेस देख सकें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है एंड आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सके टाइमली. लास्ट पॉइंट लिखा गया है कि आपको कॉपरेट करना है इन्विजिलेटर्स के साथ एंड स्टाफ के साथ एंट्री करने के टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में. एकदम से भीड़ नहीं लगा देनी है वहां पर, धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स को अंदर किया जाएगा. जैसे ही उनके पास टाइम लगेगा, तभी कहा गया है कि आपको सेंटर पर टाइम से पहुंचना है, ताकि आप लेट ना हो जाओ एंड अकॉर्डिंगली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके एंट्री ले पाओ. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डोंट्स पे, कि आपको ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है. ध्यान रखना है कि ये चीजें आपको नहीं करनी है. नो इम्पर्सोनेशन, यानी आपको अनफेयर मीन्स से दूर रहना है. इम्पर्सोनेशन यानी आप किसी और को अपनी जगह पर एग्जाम देने के लिए ना भेज दो. इसीलिए आपको ये अवॉइड करना होगा कि आपकी जगह कोई एग्जामिनेशन देने ना आ जाए. तभी आपके पास अपना इग्नू का आईडी कार्ड होना जरूरी है एंड साथ ही साथ कोई और आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है, ताकि आप प्रूव कर पाओ कि आप सेम पर्सन हो. नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको मोबाइल फोन्स ले जाना अलाउड नहीं होगा एग्जाम हॉल के अंदर. नेक्स्ट, कोई बुक नहीं ले जा सकते हो आप अंदर, नोट्स नहीं ले जा सकते हो, पेपर नहीं, बैग और कोई भी मटेरियल जो रिलेटेड हो एग्जाम से, चाहे आपके वो नोट्स हो, स्टडी नोट्स हो, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हो, आप कुछ भी एग्जाम हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते हो. सो कोशिश ये कर सकते हो आप कि अपने साथ आप एक किसी को लेकर जाओ, अपने फैमिली मेंबर में से या अपने फ्रेंड्स में से किसी एक जने को लेकर जाओ. ज्यादा लोगों को मत लेकर जाना, ताकि वहां पर भी भीड़ ना हो जाए. एंड आप ऐसी कोई चीज लेकर जाओ जैसे मोबाइल फोन या फिर कोई बुक का मटेरियल हो, या आप जिससे पढ़ रहे हो उस टाइम पे कोई गाइड हो, तो आप वो हैंड ओवर कर सको अपने बाहर वाले इंसान को, जिसको भी आप लेकर गए हो, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो आपका रिलेटिव है, चाहे आप कोई फैमिली मेंबर है. सो यही कुछ पॉइंट्स थे जो इग्नू ने अपनी तरफ से लगाए हुए हैं हर सेंटर के बाहर, कुछ डूज एंड डोंट्स जो आपको करने हैं. ये वीडियो इसलिए बनानी जरूरी थी क्योंकि अभी काफी बच्चों के एग्जाम्स नहीं हुए हैं, कुछ लोग ही अपने एग्जाम्स देकर आए हैं अभी. तो जो लोग अभी एग्जाम्स नहीं देकर आए हैं, वो ये देख सकते हैं कि उनके लिए क्या जरूरी है. एक आइडिया लग जाएगा आपको कि आपको एग्जाम सेंटर पे क्या ले जाना अलाउड है एंड क्या नहीं ले जा सकते हैं.
सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। एंड यस, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हमारी आईडी है literarynerds_, और यू कैन मेल अस एट nerdsliterary@gmail.com। वी विल रिप्लाई यू विद इन 24 hours। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड टेक केयर।